चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले दिल्ली में कल रात अचानक सरगर्मी पड़ गई। नरेंद्र मोदी यूपी में प्रचार खत्म करने के बाद कल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में संघ प्रमुख से मोदी की क्या कुछ बातचीत हुई, देखिए इस रिपोर्ट को। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने की रणनीति में जुट गए हैं। मोदी ने कल दिल्ली में देर शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दो घंटे की बैठक में क्या क्या बात हुई, इसे समझने से पहले देखिए वो तस्वीरें। जिस वक्त नरेंद्र मोदी दिल्ली के झंडे वालान में संघ के दफ्तर पहुंचे। देश भर में आखिरी चरण का चुनावी शोर थमने के बाद अब दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। केशव कुंज जो कि दिल्ली में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी हैं। दरअसल यहां पर मोहन भागवत से इन दोनों की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की समीक्षा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए संघ नेताओं से मिले और चुनाव के अंतिम दौर से पहले स्थिति की भी संघ प्रमुख को जानकारी दी। इससे पहले दिल्ली में झंडे वालान के केशव कुंज में दोपहर 3 बजे लगातार संघ के आला पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी। कोर ग्रुप की इस बैठक में देश भर से क्षेत्र प्रचारकों के साथ ही प्रांत प्रचारकों ने भी शिरकत की। इसका मकसद इस बात का अंदाजा लगाना था कि आखिर बीजेपी और एनडीए को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी। सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ ही सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी और दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे। माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी की इस मीटिंग के एजेंडे में चुनावी नतीजों के आकलन के साथ ही सरकार बनाने की संभावना पुख्ता करने के लिए सहयोगियों की तलाश भी एक अहम मुद्दा था, और इसके लिए अभी से कौन सी कोशिशें की जाए इसे लेकर भी बीजेपी और संघ के नेताओं में चर्चा हुई। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी में एनडीए में आने वाले दलों का स्वागत है, लेकिन कहीं से भी कोई पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे जनता की बात करें, ममता की बात कर लें या मायावती की बात कर लें, सबने दो टूक जवाब दिया। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर में संघ प्रमुख की तरफ से क्या निर्देश आता है। क्या नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता आगे यूं ही आसान बना रहेगा? क्या नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा? और नहीं मिलने की सूरत में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बैठक में क्या बात हुई, पुख्ता तौर पर यह कुछ कहा नहीं गया, लेकिन सरकार बनाने को लेकर यह पहली बड़ी बैठक जरूर मानी जा रही है। दिल्ली में